नमस्कार, JSTV न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज हम बात कर रहे हैं मिथिला की पाग, खास करके मिथिला में हम लोग रहते हैं तो यह जानना चाहिए कि आखिर मिथिला की जो पाग है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मिथिला के पाग को बनाने में किन किन लोगों का योगदान है, जो कि मैंने एक आलेख लिखा था जो कि राष्ट्रीय खबर अखबार जो कि झारखंड से प्रकाशित होती हैं उनमें हमारा आलेख प्रकाशित हुआ था। तो मिथिला के पाग पर खास करके जो हमारे विद्वान हैं उनके परामर्श से तो मैंने पाग पर आर्टिकल लिखा था, एक लेख। तो फिर मैं मिथिला की जो पाग है, मिथिला की खास पहचान जो है वो हमारी पाग ही है, जिसे पहनकर लोग स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अपने अतिथियों को सम्मान देने के लिए उन्हें पाग पहनाते हैं। वो पाग मिथिला की संस्कृति का ही प्रतीक है। अगर हम कवि कोकिल विद्यापति से लेकर आज के महानुभावों के बीच सम्मान के रूप में प्रचलित पाग की बात करें तो मिथिला की पाग की शुरू से ही काफी अलग ही एक विशिष्ट महत्ता और एक पहचान रही है। लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जिस पाग को मिथिला के हिंदू श्रद्धा से अपने सिर पर धारण करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मिथिला के पाग निर्माण में मुसलमान भाइयों का भी काफी योगदान है। दरभंगा मधुबनी का पाग मिथिला ही नहीं बल्कि समूचे देश एवं विदेशों में भी प्रसिद्ध रहा है। अब हम मिथिला की संस्कार, संस्कृति और विरासत को बचाने में, खास करके अगर हम बात करना चाहेंगे, रंगकर्मी ब्रह्मानंद झा जी का सराहनीय योगदान रहा है। दरअसल प्रारंभ में जो पाग बनता था वो हल्का हुआ करता था, जो बराबर सिर से हमेशा गिरता रहता था। वर्तमान समय में जो पाग हमारे सामने प्रचलित हैं और हम जो देख रहे हैं उसका श्रेय रंग कर्मी ब्रह्मानंद झा और पटना मैथिली रंगमंच को ही जाता है। अब हम 1990 की बात करते हैं। 1990 में कुणाल जी ने ब्रह्मानंद के बनाए डिजाइनर पाग का व्यवहार रुक्मिणी हरण नाटक में किया था, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो। बाद के अनेकों नाटक में उपयोग होता रहा यह पाग वासेवल है। इसमें कॉलर में उपयोग होने वाला कफ का काम होता है। ब्रह्मानंद ने सूती, साटन और सिल्क में बनाया था। सिल्क पाग सर्वप्रथम 2000 में उपयोग किया गया था। मिथिला पेंटिंग्स की अगर हम जिक्र करते हैं तो मिथिला पेंटिंग्स वाला पाग 1995 से कलाकार अबुद्धानंद मंच से प्रारंभ किया था। ये पेंटिंग्स पटना आर्ट कॉलेज के दिव्यांग छात्रा ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि दरभंगा में पाग बनाने का कार्य पिछली 5 पीढ़ियों से कर रहा है शहर के महाराजगंज का एक अंसारी परिवार। पिछड़ी जाति से आने वाले इस अंसारी परिवार का मुखिया मोआज अंसारी गुजर बसर इसी पाग के सहारे कर रहा है और उसकी रोजी रोटी भी इसी सहारे चलती है। बेलवागंज में उसकी अपनी एक दुकान है जहां पर उसे बैठकर पाग बांधते हुए कभी भी देखा जा सकता है। मौज बताता है कि वह अपने धंधे से काफी खुश है क्योंकि इस पुश्तैनी पेशे से उसे अच्छा खासी आमदनी हो जाता है। मुआज का कहना है कि पहले केवल शादी लगन के मौके पर ही उसे पागों के ऑर्डर मिलते थे, लेकिन अब तो सालों भर उसे इतने ऑर्डर मिलते हैं कि उतना वह बना नहीं पाता है। उसका कहना है कि जब से राजनीतिक दलों ने मिथिला की इस पाग को सम्मान देना शुरू किया है तब से पाग का मार्केट काफी बढ़ गया है। पहले शादी ब्याह, उपनयन संस्कार आदि विशेष मौके पर ही पाग का चलन देखा जाता था, लेकिन अब तो कोई भी राजनीतिक नेता क्षेत्र में आते हैं तो भाई उन्हें मिथिला की संस्कृति के रूप में पाग पहनाया जाता है। मिथिला की पाग की एक विशिष्ट पहचान रही है और काफी महत्व रही है और मिथिला की धरोहर भी तो है।
पाग पहनाने का मतलब सामने वाले को आदर देना होता है, जिसकी लाज अतिथि को रखनी चाहिए। पाग को कुछ जाति या फिर सामंती व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, या धर्म विशेष से जोड़ने वाले को आड़े हाथों लेते हुए, ऐसे लोगों को पाग के बारे में जानकारी नहीं है। यदि उन्हें सही मायने में इसकी पूरी जानकारी हो तो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। दरअसल अगर उन्हें पता हो कि हिंदुओं के पाग बनाने से एक मुस्लिम की रोजी रोटी चलती हो, तो फिर वे कभी पाग का विरोध नहीं करेंगे। पाग बनाने के हुनर को अपनी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने को इच्छुक मुआज का कहना है कि उसके परदादा हाजी नूरुल हसन ने सबसे पहले पाग बनाना शुरू किया था। साठा पाग का प्रचलन खत्म होने के बाद दरभंगा के महाराज भी उसी परिवार का बना हुआ पाग पहना करते थे, यह कहते हुए मानो गर्व से उन्नत हो उठता है। मुआज अंसारी का सर। लेकिन मुआज को इस बात का दुख जरूर है कि तब कलाकार कहकर नहीं पुकारा जाता था। आज तक कलाकार कहकर नहीं पुकारा, जबकि उसके हाथ का बना पाग देश के शीर्षस्थ नेताओं के माथे पर चढ़ता रहा है। पाग की अपनी एक अलग और विशिष्ट ही पहचान है, और पाग की ऐतिहासिकता के बारे में बताते हुए बिहार में शिक्षा विभाग के उच्च पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर रामचंद्र चौधरी कहते हैं कि यूं तो शास्त्र में ऐसा कोई विशेष समय का उल्लेख नहीं मिलता है कि पाग जो है फलना समय में फलना व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समय के बदलते चक्र के साथ पाग का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि आज का पाग जो है वह 20वीं सदी के उदारार्थ की देन है, जिसे कुलाचार और लोकाचार के साथ फैशन के रूप में भी अंगीकार कर लिया गया। भले ही चित्रकारों ने अपनी कल्पना के आधार पर कभी कोकिल विद्यापति के माथे पर भी इसी पाग को दिखाया हो, वे बताते हैं कि मिथिला संस्कृति में गर्भाधान से लेकर श्राद्ध क्रम तक 16 संस्कार को समायोजित किया गया है। इन संस्कार में सर्वप्रथम उपनयन संस्कार और उसके बाद विवाह संस्कार में पाग का अलग ही एक प्रचलन है और अपनी एक विशिष्ट महत्ता है। पहले साठा पाग का चलन था, जिसे अमूमन 60 हाथ के कपड़े से बनाया जाता था, और इसे पहनने वाले भी स्वयं इसे अपने सिर पर बांधते थे। लेकिन समय बदला और लोगों का सोच भी, सो पाग अपने प्रारंभिक अवस्था से आधुनिक अवस्था में पहुंच चुका है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि पाग आज भी हमारी संस्कृति की पहचान है। पाग निर्माण के संबंध में बताया जाता है कि पहले कोढ़िला से पाग बनता था, लेकिन अब उसकी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण 32 ओस के कूट से पाग का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर मलमल के कपड़े से उसे झाड़ा सजाया जाता है। पाग के ऊपरी भाग को चनवा कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा और जानते होंगे कि जिस पर तिकोना कूट लगाया जाता है, जिसे त्रिफला भी कहते हैं। पाग के आगे के भाग को आगोक चूनन, उसके नीचे के मुड़े हुए भाग को पेशानी एवं पीछे के हिस्से को पिछुआ कहा जाता है। पाग निर्माता मुआज बताता है कि जरूरत के हिसाब से वह लाल, उजला, पीला, कोकटी और केसरिया रंग का कपड़ा पाग पर लगाता है। वैसे कभी कभी उसे हरे रंग का पाग बनाने का भी ऑर्डर मिल जाता है। वह बताता है कि सूती पाग की कीमत प्रति पाग 20 रुपये होती है, साठन कपड़े वाले स्पेशल पाग की कीमत 60 रुपये। वह कहता है कि एक दिन में वह एक दर्जन पाग तैयार कर पाता है। मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला की एक फोक पेंटिंग है, जो मिथिला के नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बनाई जाती है। इस पेंटिंग में मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी आर्ट और मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। इस पेंटिंग्स का नाम ही मधुबनी पेंटिंग है, मतलब कि मधुबनी की पेंटिंग। मधुबनी की अगर हम बात करें, यह तो बिहार में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास का एक जिला है। बताते हैं कि ये शहर रामायण के समय भी था, तब इसका नाम मधु के वन पर पड़ा था। इसी वन में राम और सीता ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि SBI के डेबिट कार्ड की कवर जो आप देख रहे हैं, तो उस पर जो पेंटिंग आपको दिखती है वो असल में मधुबनी पेंटिंग ही है। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत रामायण के दौर से हुई थी, तब मिथिला के राजा जनक थे।
राम की शिव धनुष तोड़ने के बाद जनक की बेटी सीता की शादी राम से तय हुई थी। राम के पिता अयोध्या के राजा थे, इसीलिए मिथिला में अयोध्या से बारात आने वाली थी। जनक ने सोचा कि एक ही बेटिया शादी ऐसी होनी चाहिए कि जमाना याद करे, तो उन्होंने जनता को आदेश दिया कि सब लोग अपने घरों की दीवारों और आंगनों पर पेंटिंग्स बनाए जिसमें अपनी संस्कृति की झलक हो। इससे अयोध्या से आए बारातियों को मिथिला की महान संस्कृति का पता चलेगा। मधुबनी पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो खास करके मिथिलांचल में, खासकर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और नेपाल के जनकपुर, सिढ़ा, धनुषा जैसे जिलों की मेन फोक पेंटिंग है। शुरुआत में ये पेंटिंग्स घर के आंगन और दीवारों पर रंगोली की तरह बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे कपड़ों, दीवारों और कागजों पर उतर आई। मिथिला की औरतों की शुरू की गई इन फोक पेंटिंग्स को पुरुषों ने भी अपना लिया। शुरू में ये पेंटिंग्स मिट्टी से लिपी झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इन्हें कपड़े या पेपर के कैनवस पर बनाया जाता था। इन पेंटिंग्स में खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो देवी देवताओं, लोगों की आम जिंदगी और नेचर से जुड़ी पेंटिंग्स होती हैं। इनमें आपको सूरज, चंद्रमा, पनघट, तुलसी और शादी जैसे नजारे मिलेंगे। मधुबनी पेंटिंग्स दो तरह की होती हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में खास करके, तो मधुबनी पेंटिंग की जो दो तरह की होती हैं, एक भित्ति पेंटिंग जो घर की दीवारों, मैथिली में दीवारों को भित्ति भी कहते हैं जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा और आप लोग जानते होंगे, और दूसरी अरिपन जो घर के आंगन में बनाई जाती है। इन पेंटिंग्स को माचिस की तीली और बांस की कलम से बनाया जाता है। चटक रंगों का खूब इस्तेमाल होता है जैसा गहरा लाल, हरा, नीला, काला। चटक रंगों के लिए अलग अलग रंगों के फूलों और उनकी पत्तियों को तोड़कर उन्हें पीसा जाता है, फिर उन्हें बबूल की के पेड़ की गोंद और दूध के साथ घोला जाता है। पेंटिंग्स में कुछ हल्के रंग भी यूज होते हैं जैसा पीला, गुलाबी, नींबू। खास बात यह है कि ये रंग भी हल्दी, केले के पत्ते और गाय के गोबर जैसी चीजों से ही तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए पीपल की छाल यूज की जाती है। आमतौर पर ये पेंटिंग्स घर में पूजा घर, कोबर घर, विवाह के बाद का और किसी उत्सव पर घर की दीवार पर बनाई जाती हैं। हालांकि अब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड देखते हुए कलाकार आर्टिफिशियल पेंट्स भी यूज कर रहे हैं और लेटेस्ट कैनवस पर बनाने लगे हैं। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर, ये मधुबनी पेंटिंग्स के पांच स्टाइल हैं। भरनी, कचनी और तांत्रिक पेंटिंग स्टाइल के धार्मिक तरीके हैं जिसकी शुरुआत की अगर हम बात कर रहे हैं करते हैं तो मधुबनी की ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं ने की थी। 1960 में दुसाध, जो कि एक दलित समुदाय, महिलाओं ने भी इन पेंटिंग्स को नए अंदाज में शुरू किया था। उनकी पेंटिंग्स में राजा सदेश की झलक दिखाई देती है। दुसाध समुदाय के लोग राजा सदेश को अपना कुल देवता मानते हैं। हालांकि आज मधुबनी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में धूम मचा रही है और कास्ट, रिलीजन और एरिया जैसे पैमानों से ऊपर उठ चुकी है। अब आर्टिस्ट इंटरनेशनल मार्केट का रुख देखते हुए आर्ट में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिनके नए स्टाइल निकल रहे हैं। जब दुनिया ने मधुबनी पेंटिंग को जाना तो मधुबनी पेंटिंग्स मिथिलांचल में हजारों सालों से चली आ रही है और हजारों सालों से चलती आ रही है परंपरा है। पर 1934 की अगर हम बात करते हैं, 1934 से पहले ये सिर्फ गांवों की ही एक लोक कला थी। 1934 में मिथिलांचल में बड़ा भूकंप आया था ऐसा सुनने में आता है, जिसे वहां काफी नुकसान हुआ था। मधुबनी के ब्रिटिश ऑफिसर उस वक्त जो थे, विलियम आर्चर, जब भूकंप से हुआ नुकसान देखने गए तो उन्होंने ये पेंटिंग्स देखी जो उनके लिए नई और काफी अनोखी थी। उन्होंने बताया भूकंप से गिर चुके घरों की टूटी दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो मीरो और पिकासो जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसी थी। फिर उन्होंने इन पेंटिंग्स की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें निकाली उस समय में, जो मधुबनी पेंटिंग्स की अब तक की सबसे पुरानी तस्वीरें मानी जाती हैं। उन्होंने 1949 की हम बात करते हैं तो 1949 में एक उनका आर्टिकल छपा था मार्ग में,
जिसमें मधुबनी पेंटिंग्स की खासियत बताई जाती थी और बताई गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया को मधुबनी पेंटिंग्स की खूबसूरती का एहसास हुआ था।